आज हम आ गए हैं प्रगति मैदान और यहाँ पर आए हैं हम देखने 7th इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर 2023। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है फुटवेयर की एंट्री है, हॉल नंबर 6 में ये लगा हुआ है। यहाँ मैं ही लेडीज दिख रही हूँ। तो ये देखिए, हमने एंट्री जो है कर ली है और ये जो मेन जो एक्सपो लगा हुआ है, अगर कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो है आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और शूज़ कैसे, मतलब लेदर और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कौन सा लेदर यूज़ करना है। ये देखिए इस तरीके के स्लीपर्स, तो ये जो स्लीपर्स का आप देखते हैं तो ये उसका मटेरियल के बारे में दी हुई है सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये देखिए काफ़ी ब्रांड जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, आपको यहाँ पे जैसे शूज़ का क्या मटेरियल होना चाहिए और आपको लेसिस, ये सब की जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप, मैंने जैसा बताया, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये दिखाया कि आप शूज़ के लिए ये इस कपड़े के शूज़ बनते हैं। ये देखिए, तो ये सारा जो है इनके कपड़ों का है। तो यहाँ पर इस तरीके की डील होती है कि आपको कौन से मटेरियल में शूज़ बनवाने हैं, आप यहाँ ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इस तरीके का क्लॉथ है और उस तरीके का शूज़ बन जाता है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं, सारे पैटर्न दिए हुए हैं कि इस तरीके के क्लोथ्स हैं और ये अंदर जो शूज़ के अंदर लगता है ये भी दिया हुआ है। तो वो सारा जो है आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और फिर लास्ट में आपको जो है इस तरीके का शूज़ मिल जाएगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये है जी पूरा प्रोसेस। तो इसी तरीके का जो है ये फेयर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बाहर से भी लोग आते हैं डील करने। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है शूज़ का ही मिलेगा, आपको यहाँ पर बैग के लिए भी मिल जाएगा। ये देखिए, जो है ये लैदर्स के बैग का भी आपको मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डील जो है। और मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं तो ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो डीलर हैं, जो मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, ये उनके लिए मेन है। आप सोचिए कि यहाँ पे सेल हो रहे हैं तो सेल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे शूज़। तो ये देखिए वेलकम। तो ये देखिए, ये मशीन है शूज़ बनाने की। ये शूज़ की मशीन है क्या बनता है इसमें? कटिंग मशीन है। कटिंग मशीन है। और ये अच्छा, ये मोल्डिंग मशीन है। ये मोल्ड मशीन है और ये कटिंग मशीन है। तो यहाँ पे जो है मशीनों भी लगी हुई हैं, तो ज़्यादा हमें पता नहीं है, जितना हमें पता चल रहा है हम आपको बता देंगे। तो ये देखिए इस तरीके की यहाँ पे सिलाई मशीन भी लगी हुई है। तो ये देखिए, ये आप बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, इससे सिलाई होती है। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। और
और यहाँ पर जो है इस तरीके से डेमो भी दिखा रहे हैं। ये कटिंग की मशीन है, पर जो है ये थ्रेड से जो है शूज के ऊपर का पैटर्न बनता है। तो ये शूज के ऊपर का पैटर्न बनता है, काफी बड़ी मशीन है। तो जो इस तरीके का पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये भी कुछ मशीन है। ये क्या कटिंग? ये ब्रेस्टिंग मशीन। सॉरी, बेसिकली यू कैन से इट्स अ स्कैनिंग मशीन। स्कैनिंग मशीन, बराबर आपका ये स्कैन कर लेती है। ओके ओके, डिटेक्ट स्मार्ट करना है। ये स्कैनिंग मशीन है, तो ये जो है ये लेदर है। सामने जो है बता रहे हैं कि ये कौन सा लेदर है और इस पर क्या प्रिंट होना है। ये नीचे का जो सोल होता है उसके लिए? नहीं, सोल भी बना सकते हो आप, इस पर स्लीपर बना सकते हो और जो शूज बना सकते हो सिर्फ शूज बना सकते हो। यहाँ पर काफी जो है डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं और होलसेलर भी आए हुए हैं। ये देखिए ये रिलायंस रिटेल फैशन ब्रांड। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इंडिया की कंपनी है, बाहर की भी कंपनियाँ आई हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो है फैब्रिक है ये लेदर में। आपको ना वो रेंज देंगे, थोड़ा शिफ्ट करेंगे।
रबर पे जो प्रिंट होता है ना, ये वो मशीन है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरी जो है मैंने आपको एग्जीबिशन दिखा दी है, लेकिन मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसलिए बनाई है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि यहाँ पर जो है ये एक्सपो लगा हुआ है, आप आ सकते हैं, फ्री एंट्री है इसकी।